हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज मेरे बाल बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मेरे बालों और मॉनसून का कभी अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा, ये हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में रहे हैं। सो इतने ज़्यादा फ्रीजी हो रखे हैं। मेरी बहुत देर की मेहनत के बाद मैंने थोड़ा सा इनको एडजस्ट किया है, पता नहीं क्या ही हो रहा। मॉनसून में तो मैं बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाती। सो मैं ऐसे ही मीशो स्क्रॉल कर रही थी एंड मैं ढूंढ रही थी कि मैं अपने चैनल पर मीशो की नेक्स्ट वीडियो क्या लेके आऊँ। तो मुझे कुछ आर्टिकल्स ऐसे लगे जिन्हें देख के मुझे अपने कॉलेज डेज की याद आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना कॉलेज आउटफिट्स पे एक वीडियो बनाई जाए, लाइक कॉलेज आर्टिकल्स या कॉलेज वेयर फ्रॉम मीशो। तो इसीलिए वहीं से इंस्पायर होकर आज की वीडियो होने वाली है, कॉलेज वेयर फ्रॉम मीशो। कॉलेज के टाइम में मैं जैसी अब हूँ मैं बहुत डिफरेंट थी। मेरे को मेकअप की नॉलेज नहीं थी, मेरे को कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट मैंने लिपस्टिक लगाना भी शुरू अपने सेकेंड ईयर में किया था एंड मैं चंडीगढ़ पढ़ती थी, मैं वहाँ से लिपस्टिक लगाना सीख के आई थी। फिर यहाँ आके मैंने गरिमा को लिपस्टिक लगानी सिखाई थी, फिर वहाँ से हमारी फैशन जर्नी या मेकअप जर्नी स्टार्ट हुई थी। मेरे कॉलेज में सारी लड़कियाँ ऑलमोस्ट सारी लिपस्टिक लगा के आती थी, सारी तो नहीं मतलब काफ़ी, क्योंकि मेरा ना गर्ल्स कॉलेज था तो लड़कियाँ पूरा तैयार होकर आती थी। और मेरे पीजी में भी जो मेरे पीजी मेट्स थे वो भी काफ़ी अच्छा तैयार होकर जाती थी। तो वहाँ से फिर मेरे को हुआ कि मुझे भी थोड़ा सा खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। तो तब मैंने फ़र्स्ट टाइम लिपस्टिक लगानी शुरू की थी एंड फिर यहाँ आके मैंने गरिमा को बताया कि ये लिपस्टिक यूज़ कर। एंड वो लिपस्टिक हम तब से लेके आज तक वो ही यूज़ करते थे, जो ब्रांड लिपस्टिक की मैं चंडीगढ़ में यूज़ करती थी, मैं और गरिमा आज तक वो ब्रांड यूज़ करते हैं। बट गाइज, रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड यूजिंग अ न्यू लिपस्टिक और लिपस्टिक्स एंड वो है ये कॉम्फी मिनी लिक्विड लिपस्टिक्स बाय फेसेस कैनेडा। सो मेरे साथ क्या होता है, मैं जैसे मैं पहले बता रही थी कि मैं एक ही ब्रांड की लिपस्टिक या कोई एक लिपस्टिक फॉर इंस्टेंस किसी ब्रांड की मुझे पसंद आ गई तो मैं वो ही यूज़ करती रहती हूँ। बट मुझे चाहिए सारे शेड्स होते हैं बिकॉज मेरे कुछ आउटफिट से मैचिंग, या किसी आउटफिट पर रेड शेड जा रहा है, किसी पर पिंक जा रहा है, या कभी कोई न्यूड शेड चाहिए तो मुझे हर मूड के हिसाब से हर आउटफिट के हिसाब से एक शेड चाहिए होता है। तो इसीलिए मैंने ये मंगवाई थी। इनको मंगवाने के बहुत सारे रीजन्स हैं। फर्स्ट, ये सुपर अफोर्डेबल हैं, बहुत अच्छे प्राइस में ये आपको मिल जाएंगी। सेकंड गाइस, लुक एट दी पैकेजिंग, इतनी क्यूट छोटी सी लिपस्टिक्स देख के मेरा दिल तो फिसल गया, लाइक मैं खुद को नहीं रोक पाई इनको मंगवाने से। ऑल्सो दे आर ट्रैवल फ्रेंडली, लाइक मैं आउटडोर शूट्स बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं बहुत दूर दूर जाके अपनी रील्स वगैरह बनाने जाती हूँ। तो मुझे चाहिए होता है वहाँ जाके मुझे क्या मूड कर जाए, या कई बार ऐसा होता है कि कैमरा पे फेस नहीं अच्छा लग रहा तो हमें कुछ ब्राइट सी लिपस्टिक चाहिए होती है। तो मैं बड़ी बड़ी लिपस्टिक्स बहुत सारी कैरी नहीं कर सकती, तो एक वो बहुत बड़ा रीज़न है इनको मंगवाने का, लाइक कितनी छोटू सी है, क्यूट सी है। ऑल्सो आपको इसके 10 से भी ज़्यादा शेड्स मिल जाएंगे, तो और क्या चाहिए। सो मैंने इसके मंगवाए हैं 6 शेड्स, मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट। सो अभी मैंने वियर किया हुआ है इसका ये शेड एंड गाइज आई लव द फॉर्मूला। मेरी स्किन बहुत ड्राई एंड ऑल्सो माई लिप्स, तो मैं हमेशा कोई भी मैट लिपस्टिक लगाने से पहले नीचे लिप बाम लगाती हूँ। मैंने इसको भी लिप बाम लगा के लगाया है बट मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप लिप बाम लगा लो, कुछ भी लगा लो, लिपस्टिक के बाद जो लिप्स ड्राई होते हैं, केकी क्रैकी, मेरे को बहुत गंदी लगती है वो फीलिंग। एंड इसको लिटरली भी मैंने 2 घंटे से वियर किया हुआ है एंड आई एम लविंग इट। इतना अच्छा, कंफर्टेबल, इजी, लाइट वेट फील ये मुझे दे रही है। सो मुझे इसका फॉर्मूला सच में बहुत अच्छा लगा। ये इतना इजीली स्मूथली ग्लाइड हो जाएगी, आप जस्ट एक बार लगाओ एंड यू आर गुड टू गो। आपको बहुत सारे लेयर्स लगाने की भी जरूरत नहीं है। सो वो चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। तो मेरे पास अभी इसके बहुत प्यारे प्यारे 6 शेड्स हैं, मैं आपको सारे अपने हाथ पे स्वॉच करके दिखाती हूँ। सी, ये सारे शेड्स मैंने मंगवाए हैं। सो गाइज, यू कैन ऑल्सो ग्रैब दीज प्रोडक्ट्स एट पर्पल आई हार्ट सेल फ्रॉम 2nd to 10th of August ओनली एट एक्साइटिंग ऑफर्स। तो फटाफट जाओ, जल्दी जाओ, इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है तो लेना तो बनता है। सो अब आते हैं हमारी आज की वीडियो पे, जो कि है कॉलेज आउटफिट्स या कॉलेज वेयर फ्रॉम मीशो। सो सबके कॉलेज आउटफिट्स बहुत अलग होते हैं, ये बात तो आप भी मानते होंगे। लाइक मेरे कॉलेज में भी काफ़ी गर्ल्स बहुत स्टाइलिश बन के आती थी, स्पेशली आई वॉज इन चंडीगढ़ में, एंड चंडीगढ़ में काफ़ी रिच लोग भी रहते हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहन की लड़की आती थी और मैं बहुत ही सिंपल से कपड़े पहनती थी। लाइक मेरा जो था बेसिक जीन्स, या कभी मैं कुछ ट्राउज़र्स वगैरह पहन गई, या हाँ मैं मोस्टली मैं जीन्स एंड पजामास कंफर्टेबल आउटफिट्स ही पहनती थी, क्योंकि मैं एक तो गर्ल्स कॉलेज में थी तो इतना तैयार होने का मन वैसे भी नहीं करता था। सो ये वीडियो जो आउटफिट्स मैं पहनती थी उनसे इंस्पायर होकर जो मैंने मीशो से मंगवाए हैं कुछ वैसी होने वाली। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलती। सो फर्स्ट वी हैव इज दिस एंड ये है विमेन शर्ट एंड टॉप कॉम्बो। सो मैं जब कॉलेज में थी मैं हमेशा अगर मैंने अंदर कुछ ऐसे स्पेगेटी या कैमी टॉप टाइप्स पहने तो ऊपर कुछ यूजुअली कवर कर ही लेती थी, इधर श्रग जैकेट कुछ ना कुछ। तो मैंने कुछ ऐसा ही मंगवाया। सो इसमें अंदर ये सिर्फ 252 रुपीज़ का है। इसमें आपको मिलता है अंदर पहनने के लिए ये, अच्छा है ना कि आप इसको अलग से यूज़ करो, सिर्फ जीन्स के ऊपर ये डालो एंड यू आर गुड टू गो।
बट अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते जैसे मैं तब नहीं करती थी, सो आप इसके ऊपर ये पहन लो खोल के, ये शर्ट दी है और इस शर्ट को भी आप अलग से यूज़ कर सकते हो, अगर ये अंदर नहीं पहना तो शर्ट बंद करके पहन लो। सो वो चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। तो इसका फैब्रिक यहाँ पे लिखा है कॉटन ब्लेंड, ये फुल स्लीव्स का है। मुझे प्रिंट एंड फैब्रिक डिफरेंट लग रहा है जो फोटो में है उससे, ये तो होना ही था, बिल्कुल सेम चीज़ तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते मीशो पे। चलो कोई ना, वो चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, चलो इसको पहन के देखते हैं फिर इसका लुक हमें और बेटर पता चलेगा। इस टॉप को पहनते ही मैंने सोचा लिपस्टिक कलर भी चेंज किया जाए, सो अब मैं लगाने वाली हूँ ये शेड एंड आई एम रियली एक्साइटेड। ये शेड मुझे बहुत प्यारा लगा था, वाओ सी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कॉलेज आउटफिट के साथ मैंने परफेक्ट सा कॉलेज लिप शेड भी लगा लिया, कितना अच्छा लग रहा है ना ये। सो ये टॉप आप देखो, आप इसको सिंपली ऐसे भी पहन सकते हो विद जीन्स जैसे मैंने अभी पहना हुआ है। सी मुझे तो खुद अपना ये हेयर स्टाइल वगैरह देख के ऐसा लग रहा है मैं खुद अभी कॉलेज जाने वाली हूँ, लिटरली मुझे वही फील आ गया। सो इसका फैब्रिक बहुत ही वाव तो मैं नहीं बोलूँगी, ये कम्फर्टेबल उतना फील मुझे नहीं दे रहा है, बहुत ओके सा इसका क्वालिटी में बोलूंगी। बट अगर मैं इसके लुक की बात करूँ तो मुझे इसका लुक बहुत पसंद आया, ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक अंदर कैमी टॉप साथ में ये शर्ट दे रहे हैं। मैंने इसको अभी ब्लू डेनिम्स के साथ पहना हुआ है एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगर मैं ब्लैक पहनूंगी तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसके नीचे शॉर्ट्स पहन सकते हो, आप इसके नीचे स्कर्ट पहन सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा। सो ये मुझे ठीक लगा, बस मुझे ये लग रहा है कि इसका जो चेक प्रिंट है अगर वो सेम आता तो और मज़ा आ जाता, एंड अगर थोड़ी सी क्वालिटी और अच्छी होती तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ जाता। तो मुझे याद है कॉलेज टाइम में मेरे पास कुर्ता सेट्स या कुर्ताज वगैरह बहुत कम थे, एक दो जो भी थे वही मैं बहुत ही कंफर्टेबल टाइप के रखती थी, लाइक कॉटन के या कुछ भी, मैं इजी ब्रीजी से आराम से पहन के कॉलेज चली जाऊँ। तो कुछ वैसा सही मुझे ये दिखा, ये वैसे चार कलर ऑप्शंस में है, हाँ बट ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसका नाम है विमेन कॉटन एम्पायर प्रिंटेड लॉन्ग कुर्ती विद प्लाजो, एंड चूँकि मुझे अभी इसका फैब्रिक भी सही लग रहा है। सो गाइज, और ये सिर्फ 457 रुपीज़ का, इसमें आपको मिलता है ये कुर्ता, नाइस, ये मुझे कुछ अच्छा लगा, दिस इज़ नाइस, लाइक प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी छू के प्रिंट वगैरह मुझे अच्छा लग रहा है। एंड इसके नीचे पहनने के लिए हमारे पास है ये प्लाजो, ये प्लाजो भी मुझे अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक ये साइज़ भी मुझे काफ़ी अच्छे से फिट होगा, मुझे कुर्ता थोड़ा सा लूज लग रहा है। इसको मैंने मंगवाया है इन दी साइज़ स्मॉल, इसका फैब्रिक यहाँ पे लिखा है रेयन स्लब एंड बॉटम वेयर का फैब्रिक भी सेम ही है। इसका मुझे कलर बहुत प्यारा लग रहा है, इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया, तो अभी तक तो मुझे इससे काफ़ी हाई होप्स है कि ये पहन के अच्छा लगेगा, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। ये मुझे थोड़ा सा लूज है, कुछ ऐसा होता तो ज़्यादा बेटर लगता, बट मुझे इसका ढीला लुक भी पसंद आ रहा है। इसका फैब्रिक इतना कम्फर्टेबल है, इतना मज़ा आ रहा है मुझे इसे पहन के, ऑल्सो ये थोड़ा सा ढीला मुझे सही लग रहा है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी मेरे पास एक ऐसा सा कुर्ता सेट था, मैं कभी कभी को पहन के जाती थी, बहुत रेयरली, एंड मैं वीकेंड्स में इसको धोती भी थी, तो मुझे अच्छे से याद है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छा पीस है कॉलेज या कैजुअल आउटिंग या ऑफिस वगैरह पहन के जाने के लिए, आप कंफर्टेबल भी रहोगे, इतने सस्ते में आपको ये मिल रहा है, पूरा सिला सिलाया स्टिच किया हुआ, इसकी स्टिचिंग वगैरह बहुत क्लीन है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके नीचे आप जूतियाँ पहनो, कुछ छोटी छोटी झुमकियाँ पहनो, कुछ एथनिक सा बैग कैरी करो, कितने प्यारा लुक बन जाएगा, कितने अच्छे लोगे, बिंदी लगाओ एंड कॉलेज रेडी। नेक्स्ट है हमारे पास विमेन रेयन एम्ब्रॉयडरी टॉप, एंड ये काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस में, बट मैंने इसको मंगवाया है वाइट में, एंड वाइट में ना ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि लेट्स गो फॉर दिस। सो कुछ ऐसा है ये, एंड ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है फोटोज़ से, फोटोज़ काफ़ी प्रिटी लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दिस रियल आर्टिकल। ये सिर्फ 201 रुपीज़ का, एंड मैंने इसको मंगवाया है साइज़ स्मॉल में। इसकी लॉन्ग स्लीव्स हैं, यहाँ पे थोड़े से फ्रिल्स टाइप हैं, बाकी तो बेसिक सिंपल थोड़ा सा फ्रॉक सा स्टाइल है, लाइक यहाँ तक आके नीचे थोड़े से बहुत ही हल्के से फ्रिल्स स्टार्ट हो रहे हैं। सो ये स्टाइल बहुत कंफर्टेबल रहता है कॉलेज जाने के लिए, आप लाइक डिसेंट भी लगते हो, आप कम्फर्टेबल भी रहते हो, आप आराम से जाके पढ़ाई कर सकते हो, आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर है तो। लाइक इसके प्राइस के हिसाब से इसकी स्टिचिंग वगैरह काफ़ी नीट है, काफ़ी साफ़ सुथरा सा ये कपड़ा है, तो चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, बाकी तो हमें पहन के पता चलेगा। इसका फैब्रिक पहनने के बाद जो कंफर्टेबल फील दे रहा है ना, आपको मज़ा ही आ जाएगा, प्लस समर्स में तो वाओ इतना अच्छा लगेगा। ऑल्सो इसके ऊपर ये ग्रीन एंड येलो की एम्ब्रॉयडरी इसको और फ्लैटरिंग बना रही है, इसकी स्लीव्स कितनी प्यारी लग रही है, इसका स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। इसके नीचे वैसे अगर आप स्किन टाइट जीन्स पहनोगे तो वो ज़्यादा बेटर लगती है ऐसा मुझे लगता है, वैसे ये भी अच्छी लग रही है, वो तो अपना अपना स्टाइल है, आप कैसे भी स्टाइल करो, बट ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, लाइक समर्स में, दिन में, गर्मी में, कॉलेज में ये पहन के जो आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसके नीचे आप स्कर्ट वगैरह पहन के लुक्स बना सकते हो, आप ये पहनो, आप कुछ ऑक्सीडाइज सी ज्वेलरी पहनो, कितनी अच्छी लगेगी ना, कुछ इंडो वेस्टर्न से लुक्स बना लो, कितना सही यूज़ हो जाएगा। नीचे जूतियाँ पहनो, कुछ बोहो सा बैग कैरी करो, सी। नेक्स्ट है हमारे पास फैबुलस एम्ब्रॉयडरी कॉटन टॉप,
एंड समर्स में तो ऐसे ऐसे टॉप्स बहुत ही प्यारे लगते हैं, स्पेशली आपको गर्मियों में कॉलेज जाना हो तो। बस ये सेम आया हो जैसा फ़ोटोज में मुझे दिख रहा है, लग तो कुछ कुछ सेम रहा है। ये वैसे 420 रुपीज़ का है, थोड़ा सा महंगा तो ये मुझे। इसकी 3/4 स्लीव्स है, फैब्रिक तो मुझे काफ़ी सिमिलर लग रहा है ना, आई थिंक ये सेम ही टॉप है। मुझे लाइक फ़ोटोज़ देख के मैं डिफ्रेंशिएट कर नहीं पा रही हूँ, तो ये आई थिंक सेम ही चीज़ इन लोगों ने भेजी है। छू के इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसका फैब्रिक इज़ कॉटन, येस बहुत ही अच्छा वाला कॉटन है ये। सो इससे मैं अभी तक तो इम्प्रेस्ड हूँ, इसकी स्टिचिंग वगैरह काफ़ी नीट एंड सुंदर की हुई है, बाकी तो हमें पहन के पता चलेगा, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। ये इतना प्यारा फैब्रिक है, इसे पहन के तो मैं कितने भी दिन कॉलेज जा सकती हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये। ये मुझे पहले लगा था कि ये मुझे लूज़ होगा, बट ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है। सो अगर आप इसको ज़्यादा टाइट मंगवा लोगे तो फर्स्ट इसके बटन ऐसे ऐसे हो जाएंगे, जो चीज़ बहुत गंदी लगती है। सो ये ऐसे थोड़ा सा लूज़ सा मुझे काफ़ी कम्फर्टेबल और अच्छा लग रहा है। ऐसे इसकी लेंथ इतनी है, बट मुझे ये थोड़ा सा फोल्ड करके ही सही लग रहा है। सो मैं इसको हल्का सा फोल्ड कर रही हूँ, एंड मैंने इसको भी जीन्स के साथ पहना हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। इसका ये स्क्वायर नेक, यहाँ पे जो लेसेस लगी हुई है बहुत प्यारी लग रही है, एंड इसकी स्लीव्स वगैरह मुझे तो मज़ा ही आ गया। आप इसके नीचे स्कर्ट पहनो बहुत अच्छा लगेगा, आप हैरम पैंट्स पहनो, आप इसको कैसे भी स्टाइल कर सकते हो। लाइक मैंने भी ब्लू डेनिम जीन्स पहनी, मैं इसके नीचे वाइट कलर के शूज़ पहनूँ, वाइट स्नीकर्स पहनूँ, स्लिंग बैग कैरी करूँ, एंड मैं तो कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल रेडी। मैं आपको बुक्स कैरी करके भी दिखाती हूँ, सी लग रही हूँ ना डिसेंट सी कॉलेज की बच्ची। और इस टॉप को देखते हुए मैंने अपना लिप शेड भी चेंज कर लिया था, और मैंने लगाया था ये प्रिटी सा पिंक शेड, मुझे ऐसा लगा कि इसके साथ ये ज़्यादा अच्छा जाएगा। सो नेक्स्ट इज जॉर्जेट, यस जॉर्जेट विद एम्ब्रॉयडरी प्योर धागा कुर्ती, और ये सिर्फ 301 रुपीज़ का है। ये कुर्ती मुझे काफ़ी क्वर्की सी लगी, डिफरेंट सी लगी, तो मैंने सोचा इसको मंगवाते हैं। मुझे लगा था ब्लू कलर आएगा, बट धागा इज दिस इज ब्लैक कलर सी। ये 301 रुपीज़ की है, सो इसमें आधी तो ये सी थ्रू है, एंड आधी के अंदर इन लोगों ने अस्तर लगाया है, वो चीज़ की कुछ अलग सी लगी थी मुझे, इसलिए मैंने इसको मंगवाया। बट अभी मुझे कुछ समस्या नहीं आ रहा इसको लेके, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ अभी। इसकी 3/4 स्लीव से प्रिंटेड, इसका फैब्रिक इज जॉर्जेट, एंड इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ही गंदे तरीके से की हुई है, बिल्कुल भी नीट नहीं लग रही है अगर आप इसको क्लोजली देखोगे तो। सो चलो इसको पहन के ही पता चलेगा, जो चीज़ मैंने सोच के मंगवाई थी ये मुझे कुछ वो तो नहीं लग रही। इसकी बैक तो बिल्कुल सिमिलर आई, लाइक ऐसी ही बैक है इसकी जैसी फ़ोटोज़ में है, बट पता नहीं क्यों मुझे इसकी स्टिचिंग वगैरह ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत, यहाँ पे ये कुछ शू लेस टाइप लेस दी हुई है, लाइक लिटरली इसकी क्वालिटी वही है जो शू लेसेस की होती है। ऐसा लग रहा है शू लेस के ऊपर किसी ने बस ये थोड़ा सा फैब्रिक इसी का काट के लगा दिया है, एंड फिर इसका काम क्या है मुझे तो वो भी समझ नहीं आ रहा। मैं इसको पहले बांध के देखती हूँ, मे बी शायद आपको शू लेसेस की तरह ही कुछ ऐसे, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे क्या है इसको यहाँ बांधना, मैं बांध के देखती हूँ, मे बी शायद टाई ही करना होगा। ट्राई करने के बाद भी मुझे कुछ लुक समझ नहीं आ रहा है इसका, जैसा मैंने फ़ोटोज़ में देखा था ये उससे बहुत ही अलग सा मुझे लग रहा है। लाइक सिमिलर भी है, स्टाइल सेम है, बट वो फील नहीं आ पा रहा। आई होप आप मुझे समझ रहे हो, ये तो मेरे साथ एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी हो गया, इससे मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू एथनिक फुल लेंथ हैंड ब्लॉक प्रिंटेड अनारकली। आप इसके फोटोज़ देखो, मुझे इतनी सुंदर लग रही थी ना, लाइक जीन्स के साथ इसको पहना हुआ है ना, कितना स्मार्ट लग रहा है। साइड से एक स्लिट है, स्लिट से जीन्स दिख रही है कुर्ती, बट थोड़ी सी क्वर्की से स्टाइलिश से डिफरेंट सी एंड अनारकली कुर्ती प्लस। सो कुछ ऐसी है ये, ओके सो यहाँ पे ये दो रॉप्स है, इसको आप शायद खींच के अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बट इसका स्लिट बेसिकली जैसे स्ट्रेट कुर्ता या ए शेप कुर्ताज में साइड्स पे कट्स होते हैं, सो ये वैसे ही कट्स हैं, बट इसका स्टाइल अनारकली भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है पैटर्न इज एम्ब्रॉयडर्ड, बट मुझे तो कहीं एम्ब्रॉयडरी दिख नहीं रही है, एंड आई थिंक इसका साइज स्मॉल एंड एक्स्ट्रा स्मॉल है, जो भी इसका स्टार्टिंग साइज होगा वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो ये मीडियम साइज़ मुझे मिला है, तो चलो इसको पहन के देखते हैं। तो मीडियम साइज़ के हिसाब से तो ये मुझे लूज़ ही होना था, एंड ये मुझे लूज़ भी है। मैं इसके ये वाले रोप्स टाई करके देखती हूँ क्या कुछ फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से या नहीं, एंड नहीं पड़ रहा, एंड नहीं पड़ा। मुझे लगा ही था कि नहीं पड़ेगा, और इसकी वजह से और लुक गंदा हो गया, तो मैं इसको खोल ही देती हूँ। वैसे खोल के ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी ढीला है, तो उसकी वजह से मे बी हमें इसका लुक समझ नहीं आया। लाइक जो मैंने फ़ोटोज़ देखी थी उसमें, लाइक जो फ़ोटो है उसमें जो मॉडल है वो ऐसे खड़ी है, तो वो काफ़ी स्टाइलिश सा मुझे लग रहा था, बट उतना मज़ा मुझे पहनने के बाद इसमें आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। बाकी अगर फैब्रिक वगैरह की बात करूँ तो क्वालिटी इसकी अच्छी है, पहनने के बाद ये काफ़ी कम्फर्टेबल फील दे रहा है। सो अगर ये मेरे साइज़ का हो जाए एंड कुछ ऐसा सा हो जाए
तब तो ये फिर भी अच्छा लगेगा। इसका स्टाइल बुरा नहीं है बट वो फिट की वजह से आ नहीं पा रहा है, सो ठीक है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। नेक्स्ट है मेरे पास एक शर्ट एंड ये तो मुझे फोटोज़ देख के बहुत पसंद आई थी। इसके चार कलर्स हैं, मेरा तो मन था चारों कलर्स मंगवा लूँ बट मैंने मंगवाया इसका ये कलर। इसका नाम लिखा है जे टेरिटोपिसिस कैजुअल शर्ट फॉर वुमेन। ये सिर्फ 350 रुपीज़ की, मैंने इसको मंगवाया साइज स्मॉल में एंड इसका स्टार्टिंग साइज ही साइज स्मॉल है। 3/4 स्लीव्स है, फैब्रिक इज जॉर्जेट। आप इसका कलर देखो एक बार, इसकी तो मुझे स्टिचिंग वगैरह भी अभी देख के बहुत नीट लग रही है, तो आई थिंक मैं इससे बहुत खुश होने वाली हूँ। सो वो है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसके स्लीव्स का कुछ अलग सा स्टाइल एंड सेम जैसा स्टाइल यहाँ पे वैसा आया भी है। दिस इज़ नाइस एंड ये एग्जैक्टली फोटो जैसी लग भी रही है, सो इससे मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ। लाइक 350 रुपीज़ में ये बिल्कुल वर्थ इट मुझे लग रही है। इसकी स्टिचिंग क्वालिटी काफ़ी नीट है, फैब्रिक बहुत अच्छा है एंड प्लस कितना अच्छे लगते हैं ना ऐसे सैटिकल्स जीन्स वगैरह के साथ आप पहन के जाओ कॉलेज में, स्मार्ट भी लगते हो कंफर्टेबल भी रहते हो। बट मुझे इसका एक ही ड्रॉबैक लग रहा है, वो ये कि थोड़ी सी सी थ्रू होगी तो आपको अंदर कुछ पहनना पड़ेगा। तो चलो मैं इसको पहन के देखती हूँ कलर कितना प्रिटी लग रहा है। मुझे ऐसे देख के लग रहा था कि इसका कपड़ा काफ़ी सी थ्रू है बट गाइस पहनने के बाद उतना भी नहीं है, मैं कम्फर्टेबल हूँ इसमें। लाइक मैंने ऐसा अंदर कोई स्पेगेटी वगैरह नहीं पहनी, ऐसे भी काम चल रहा है। इसकी स्लीव्स देखो, यहाँ पे हल्का सा बलून स्लीव्स वाला फील है, 3/4 इसकी स्लीव्स है। सबसे ज़्यादा जो मैं इंप्रेस्ड हूँ वो मैं इसके कलर से, इसकी स्टिचिंग क्वालिटी से, पहनने के बाद जो ये कंफर्ट मुझे दे रहा है इसमें तो मैं बहुत ही खुश हूँ। आप इसके नीचे ब्लैक कलर की जीन्स पहनो, शॉर्ट्स पहनो या स्कर्ट पहनो, मुझे तो ये अपने डेनिम्स के साथ ही पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये तो बहुत ही प्यारा आर्टिकल, अगर आप कॉलेज जाते हो तो आप इसको प्लीज़ मंगाओ, क्योंकि फिर सिर्फ कॉलेज ही नहीं कैजुअल आउटिंग वगैरह या कोचिंग ट्यूशन वगैरह जाने में भी कितना प्यारा लगेगा ये। ये मुझे बहुत पसंद आया। नेक्स्ट जो है वो एक टॉप है, दिस इज कम्फी डिज़ाइनर वुमेन टॉप्स एंड ट्यूनिक्स। वैसे ये कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश आर्टिकल है। वैसे मैं अपने कॉलेज के टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं पहन के जाती थी बट अब मैं डेफिनेटली पहन के जाना चाहूँगी। सो वो है ये एंड ये काफ़ी ट्रेंड में है आजकल। सो ऐसे रोज़ बना होता है सामने, रोज़ या फ्लावर, वैसे तो रोज़ ही लग रहा है। सो इसके चार कलर ऑप्शंस है बट मैंने इसको ग्रीन में मंगवाया, पता नहीं क्यों, आई थिंक मुझे पिंक या पर्पल पे जाना चाहिए था बिकॉज फ्लावर तो पिंक एंड पर्पल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड इसका हॉल्टर नेक है, ये सिर्फ 249 रुपीज़ का, उस हिसाब से तो ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है। लाइक इसके स्टिचिंग वगैरह, इसको जो बनाया गया है वो मुझे सही लग रहा है इसके प्राइस के हिसाब से। तो चलो इसको पहन के देखते हैं, बाकी तुम्हें इसको पहन के पता चलेगा। अच्छा है ना, इससे आप अपनी फेयरवेल पार्टी वगैरह पे इसको पहन के जा सकते हो, तो बेसिकली हुआ तो कॉलेज आउटफिट ही। तो चलो इसको पहन के दिखाती हूँ। सो गाइस फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये मुझे पसंद तो बहुत आया, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये पहना हुआ सीम। मुझे तो अब ये ग्रीन कलर ही बहुत अच्छा लग रहा है, इसका स्टाइल वगैरह बहुत अच्छा है बट डिपेंड करता है। लाइक जब मैं कॉलेज जाती थी तो मैं इसको बिल्कुल डेली वेयर में ना पहन पाती, मेरे कॉलेज में कोई फंक्शन होता या पार्टी होती तो मैं इसको निकालती है, कुछ वाला आर्टिकल मेरे लिए होता। बट अगर आप कंफर्टेबल हो इसको डेली वेयर में पहनने के लिए, लाइक जैसे हम डे टू डे कॉलेज जाते हैं तो आप पहन सकते हो, ये आपकी चॉइस है कम्प्लीटली। मैंने सोचा जब ये इतना पार्टी वेयर फील दे ही रहा है तो मैं अपने लिप्स को भी थोड़ा सा पार्टी वेयर बना देती हूँ, लाइक रेड लिपस्टिक, हल्का सा मेकअप करो एंड रेड लिपस्टिक लगाती हूँ, एकदम ऐसे पार्टी वेयर, ऐसे ग्लो सा आ जाता है ना चेहरे, देखते से लगता है कि मैं तो किसी पार्टी में जा रही हूँ बिकॉज मैं रेड लिपस्टिक बहुत कम वेयर करती हूँ। तो मैं किसी फंक्शन या कुछ, मेरी ड्रेस ही रेड है तो मैं तभी लगाती हूँ, एंड ये वाली तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जब मैंने इसको देखा था तो मुझे लगा था ये काफ़ी अनकंफर्टेबल होगा, पता नहीं कैसे से ये रोप्स वगैरह कैसे ये संभाल ही पाएंगे या नहीं, बट ये बहुत कंफर्टेबल है गाइस, ट्रस्ट में, इसको पहन के मैं आराम से नाच भी सकती हूँ, ये उतना कंफर्टेबल है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होपफुली आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया हो। सो अगर आपका कॉलेज हो चुका है, लाइक कंप्लीट हो चुका है कोई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी, सो प्लीज़ अपनी कॉलेज की कोई भी मेमोरेबल स्टोरी या कोई ऐसी बात या कुछ ज़रूर शेयर करना कॉमेंट बॉक्स में, मैं पढ़ना ज़रूर चाहूँगी। अगर आप अभी भी कॉलेज जाते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप इसमें से कौन सा ड्रेस या आउटफिट पहन के जाना चाहोगे। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू चेक पर्पल आई हार्ट सेल, वहाँ से लिपस्टिक्स मंगवाओ और ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट ऑल्सो। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, बहुत रात हो गई है, मुझे नींद आ रही है, बाय बाय।